तारीख 10 सितंबर, दिन मंगलवार, समय दोपहर 3 बजे, मध्य प्रदेश का राजगढ़ जिला। आगरा मुंबई राजमार्ग पर इंस्पेक्टर दीपांकर गौतम अपनी महिला मित्र से मिलने के लिए सड़क पर अपनी बाइक दौड़ाए जा रहे थे। उनके जहन में कई तरीके के सवाल थे कि आखिर उनकी महिला मित्र ने उन्हें इतनी जल्दबाजी में मिलने के लिए क्यों बुलाया। अपनी तरफ बढ़ते खतरे से अनजान एसआई साहब एक रिलायंस पेट्रोल पंप के पास से गुजर रहे थे कि तभी पीछे से घात लगाए बैठा खतरा उन पर आकर अटैक कर देता है। आगे बाइक पर बैठे एसआई दीपांकर गौतम को पीछे से आ रही एक नीले रंग की कार जोरदार टक्कर मारती है, और ना सिर्फ टक्कर बल्कि कार में बैठा दुश्मन उन्हें सड़क पर 30 मीटर तक घसीटता हुआ ले जाता है। वो टक्कर इतनी जोरदार थी कि सड़क पर मौजूद हर किसी शख्स को यही लगा मानो कोई बम फटा हो। लोग हैरान परेशान थे कि इंस्पेक्टर को इतनी जोरदार टक्कर मारने वाली कार आखिर थी किसकी, उसे कौन चला रहा था। एसआई दीपांकर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुके थे। इधर एसआई दीपांकर गौतम की सांसें थमती हैं, तो उधर एक लेडी कांस्टेबल पल्लवी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाकर थाने में सरेंडर करती है और बेझिझक कहती है कि मैंने एसआई गौतम को मार दिया है। ये सुनते ही थाने में मौजूद सिपाही सकपका जाते हैं। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि लेडी कांस्टेबल पल्लवी ने अपने ही सीनियर एसआई गौतम का कत्ल क्यों किया। तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं, लेकिन जब एमपी पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है तो दोस्ती, मोहब्बत और फरेब की झकझोर देने वाली कहानी सामने आती है। पचौर थाने में तैनात महिला सिपाही पल्लवी सोलंकी की करण ठाकुर नाम के एक लड़के से दोस्ती हुई। लगातार बातचीत हुई तो दोस्ती प्यार में बदली, फिर दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे। अब जब पल्लवी और करण साथ रहने लगे तो छोटी मोटी नोकझोंक भी होने लगी। एक रोज बात इतनी बढ़ गई कि करण ने पल्लवी पर गोली चला दी और ये गोली उसके गले को छूकर निकली। इतना ही नहीं, करण ने खुद पर भी अटैक करने की कोशिश की। अब झगड़ा इस कदर बढ़ा कि दोनों ने एक दूसरे से किनारा कर लिया। इधर करण के जिंदगी से जाते ही कांस्टेबल पल्लवी की पोस्टिंग ब्यावारा देहात थाने में हुई। यहाँ पोस्टिंग के दौरान इस सिपाही की दोस्ती अपने सीनियर एसआई दीपांकर गौतम से हुई। दोनों में नजदीकियां भी बढ़ने लगी। एक तरफ जहां पल्लवी की नजदीकियां अपने सीनियर एसआई गौतम से बढ़ने लगी, तो दूसरी तरफ करण ने पल्लवी की जिंदगी में दोबारा दस्तक दे दी। पल्लवी भी ऐसे में अपने पुराने प्यार की ओर जाने के लिए तड़प उठी, लेकिन जब ये बात एसआई दीपांकर को पता चली तो वो पल्लवी को करण से दूर रहने की सलाह देने लगे। दीपांकर का बार बार पल्लवी को टोकना उसे पसंद नहीं आया, और फिर कांस्टेबल पल्लवी ने अपने बॉयफ्रेंड करण के साथ मिलकर एक गहरी साजिश रची। वो साजिश थी एसआई दीपांकर की हत्या की। प्लानिंग के मुताबिक मंगलवार 10 सितंबर को पल्लवी ने एसआई दीपांकर को मिलने के लिए नेशनल हाईवे बुलाया। सब कुछ प्लान के मुताबिक था, लेकिन कांस्टेबल पल्लवी और उसके बॉयफ्रेंड का खेल तब बिगड़ा जब बाइक चला रहे दीपांकर ने पीछे से आती नीली कार को देख लिया। दीपांकर ने ये तक देख लिया कि कार के अंदर कोई और नहीं बल्कि पल्लवी और करण है। ऐसे में एसआई ने फौरन अपने दोस्त को फोन किया और बताया कि पल्लवी उसे मार देगी, जल्दी से आकर उसे बचा ले। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक दोस्त वारदात वाली जगह पहुंचा, तब तक नीली कार में बैठी पल्लवी पीछे से तेज रफ्तार से कार दौड़ाती है और सीधे दीपांकर को टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एसआई कार के बोनट और आगे के कांच पर लुढ़कते हुए सड़क पर आ गिरे। इतने पर भी पल्लवी रुकी नहीं। इसके बाद वो कार से एसआई को करीब 30 मीटर तक घसीटती है, फिर थाने पहुंचकर सरेंडर करती है। फिलहाल इस पूरे मामले में एसपी आदित्य मिश्रा और एडिशनल एसपी आलोक शर्मा ने एसडीओपी ऑफिस में महिला कांस्टेबल से देर रात तक पूछताछ की, तो यही कहानी निकल कर आई कि एसआई दीपांकर महिला सिपाही पल्लवी और उसके प्यार करण के बीच आ रहा था, इसलिए इन दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटा दिया।